वेलकम रेंजी क्रिएशंस और मैं हूं मौसमी। आप सबको स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। ये वीडियो माँ और बच्चे के लिए है, एक्चुअली बच्चे के डायपर के ऊपर है। तो मेरा तो दो बेटा है, थोड़ा बड़ा हो गया है दोनों। छोटा का अभी 3 साल होने वाला है, तो वो थोड़ा छोटा ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी इस जर्नी में, माँ की इस जर्नी में मैंने कौन सा डायपर यूज़ किया है और जो मुझे सबसे हेल्पफुल लगता है, बेस्ट डायपर लगता है मुझे, तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो, मेरा ये वीडियो है। होप आप सबको अच्छा लगेगा और आपकी बहुत ही हेल्प होगी इस बातों से। वो अच्छी आज का मेरा जो है टॉपिक, इस डायपर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ हगीज़ डायपर के बारे में। और ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है हगीज़ के साथ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो भी माँ है, नई माँ हो या फिर कुछ दिन आपका हो गया है बच्चे के साथ और आप परेशान हो कि क्या कौन सा डायपर यूज़ करे, क्या करे क्या ना करे, कि आपको लीकेज का प्रॉब्लम हो या फिर रेसेस का प्रॉब्लम हो बच्चा का, तो एक माँ से बेहतर वो कोई नहीं जानता है जो उसका टेक केयर करते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। जब मेरा पहला बेटा था तब मैंने हगीज़ इतना यूज़ नहीं किया था। अभी मैंने इस बार जब मेरा ये दूसरा बेटा हुआ तब उसका वेट बहुत कम था, 2 kg वेट था उसका। 2 kg का एक बच्चा है तो उसके लिए मुझे स्पेशल केयर लेना पड़ा। तो मैंने उसके लिए सिलेक्ट किया था हगीज़ का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का डायपर, जो टैप डायपर होता है, पैंट नहीं होता। इतना छोटा बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को आप डायपर पैंट नहीं लगा सकते हो, टैप डायपर ही होना चाहिए। तो तब मैंने यूज़ किया ये डायपर। इस डायपर को मैंने यूज़ किया, जो एक्स्ट्रा स्मॉल होता है हगीज़ का, इसको यूज़ किया। मुझे वो बहुत ही हेल्पफुल लगा डायपर में। तब से लेके मैं हगीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको ये दिखाया, अभी ये 56 पीस का हगीज़ का ये बड़ा एक्सेल साइज़ है अभी मेरे बेटे के लिए। अभी उसको एक्सेल फिट आता है तब, लेकिन वो अब ये जर्नी है हगीज़ का, मतलब मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ हगीज़ का जर्नी है, जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज से शुरू हुआ अभी एक्सेल साइज तक पहुँच गया और आगे भी चलेगा यही। हगीज़ का एक्स्ट्रा स्मॉल शुरू किया, वो टैप डायपर, वो इतना अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा कि लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए। आपको तो पता ही है कि बच्चा अगर ज़्यादा यूरिन पास करे या पोटी करे तो डायपर तो चेंज करना है। उसके अलावा मुझे वो, मतलब पूरी रात के लिए पूरा आप सेफ हो, मतलब आपको कोई दिक्कत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगा कि कभी लीकेज का प्रॉब्लम हो या कुछ होगा, आपको वो सब सोचना भी नहीं है। डायपर की वजह से आपको नींद खराब नहीं होगा, वो दूसरा बात है कि बच्चा कभी नहीं खाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तब आपको रात को नींद होता ही रहता है। अभी भी मेरे साथ हो रहा है, बच्चा का कुछ भरोसा नहीं होता, रात को वो प्रॉब्लम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन डायपर की वजह से नींद टूटी हो ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, मतलब नहीं होता है। और हगीज़ मतलब इतना अच्छा है, बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी 3 साल हो गया है, एक्स्ट्रा लार्ज तक पहुँच गई हूँ और हगीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। बीच में एक बार मैंने दूसरा ब्रांड ट्राई किया था, लेकिन उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आया और फिर वो जो डायपर का मटेरियल है वो थोड़ा प्लास्टिक जैसा लगा, तो वो बच्चे के स्किन को इतना कम्फर्ट नहीं होगा और स्किन में इतना सूट भी नहीं होगा। तो मैंने एक ही पैकेट उस ब्रांड का लाया, फिर बंद कर दिया, नहीं लाया दूसरा। फिर हगीज़ ही, मतलब शुरू से अभी तक मेरा हगीज़ ही है और हगीज़ ही चल रहा है। जो मटेरियल है सॉफ्ट है, कॉटन जैसा है, कोई बेबी के स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। और आप में से जिन लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा। पहले मैंने टैप डायपर यूज़ किया, अभी मैं डायपर पैंट यूज़ करती हूँ। एक रात के लिए एक बस काफ़ी है, उससे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। और इसी के साथ डायपर का कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला बेटे के साथ डायपर रेसेस का कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि तब मैं नई नई माँ थी, मुझे पता ही नहीं था इतना कि क्या करना है। लेकिन अभी दूसरा बेटे के साथ मैंने थोड़ा बहुत स्टडी भी किया और मुझे पता भी चल गया कि क्या करना है। जब भी आप डायपर चेंज करो, बिल्कुल अगर न्यूबॉर्न बेबी हो तो आप कॉटन से उसको साफ़ कर लेना, कॉटन को ऐसे हल्का गर्म पानी में डिप करके उसे साफ़ करना, फिर सॉफ्ट कपड़े से उसको पोंछ लेना,
पानी ना रहे जगह पे, फिर आप वहाँ पे थोड़ा कोकोनट ऑयल यूज़ करना, बिल्कुल कम, ज़्यादा नहीं है। कोकोनट ऑयल ऐसे दोनों हाथों में लगाना, फिर उस पोर्शन पे लगा लेना, फिर आप नया डायपर देना। एवरी टाइम वही करना, ठीक है? जब भी आप डायपर चेंज करो वही करना, कोकोनट ऑयल यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। न्यूबॉर्न बेबी के लिए हो या थोड़ा बड़ा आदमी के लिए भी, स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। का बिलीव में आपका डायपर रेस बिल्कुल नहीं होगा, अगर होगा भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे का लूज मोशन होता है या कुछ, कभी कुछ हमारी गलती से भी या कुछ होने से डायपर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो थोड़ा आपको रेस दिख सकता है, हाँ इसका सांस है, लेकिन तब आप उसका वो डर्मा ड्यू का रेस क्रीम होता है, डर्मा ड्यू का रेस क्रीम मुझे सबसे बेस्ट लगा है। अगर उसको थोड़ा बहुत भी अगर लूज मोशन है उसके वजह से कुछ थोड़ा मुझे दिखता भी है रेसेस, तब मैं वो डर्मा ड्यू यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा उसको कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और अभी भी करती हूँ कोकोनट ऑयल। अब उसको आप रिजल्ट में देखिएगा, कोकोनट ऑयल यूज़ करने का रिजल्ट आपको पता चलेगा कि आपका कभी भी डायपर रेस नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम, वो मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा डायपर टिप्स है हगीज के साथ, हगीज आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई पेड नहीं है, ठीक है? ये कोई किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी नहीं है, मैं बस मुझे ये मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर्स से, तो मुझे ये बहुत ही यूजफुल लग रहा है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सोचते रह जाते हैं क्या करेंगे क्या यूज़ करें पता नहीं, इसीलिए तो मेरा आप मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, मतलब आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और बात बतानी है आपको हगीज का अभी तक डायपर का साइज़ के बारे में, ठीक है? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, फिर 2XL, तो 6 साइज़ का आता है, तो मैं उसका आपको डिटेल्स भी बता देती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है उसको आप बेबी का वेट 5 kg होने तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ वो बच्चे के लिए होता है जो जिसका वेट कम है, बर्थ वेट कम होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल अच्छा है, जो मैंने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है। जो स्मॉल साइज़ होता है वो 4 to 8 kg बच्चे के लिए अवेलेबल होता है, आप 8 kg तक मत जाइएगा। जब बच्चे का वेट 7 kg हो जाए तो उसको स्मॉल को छोड़ देना है, फिर आपको आना है मीडियम साइज़ के ऊपर। मीडियम साइज़ होता है 7 to 12 kg, जब भी मतलब 7 हो जाता है तो आपको 7 to 12 kg वो यूज़ कर सकते हो। फिर आता है एल साइज़, एल साइज़ का होता है 9 to 14 kg, 9 to 14 kg के बीच में आप एल साइज़ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा बेटे का वेट 12-13 होने को है, लेकिन मैंने उसको एल भी छोड़ दिया है, एल भी थोड़ा उसको इतना कंफर्ट नहीं लगता, तो मैंने उसको XL यूज़ करती हूँ, वो कंफर्ट देती है फुल नाइट मतलब, और थोड़ा स्पेस भी चाहिए ना, बिल्कुल टाइट वो पसंद नहीं करता, तो XL ही ठीक है। और फिर लास्ट होता है XXL, XXL आपका होता है 15 to 25 kg, XXL का साइज़ होता है, आप 15 to 25 kg के बच्चे के तक यूज़ कर सकते हो XXL का साइज़। तो प्लीज़ आप इसी हिसाब को देख के आप यूज़ करना, ताकि बच्चे का वेट के हिसाब से आप डायपर यूज़ करना, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है, बाकी आप पे है आपको कैसा लगता है। और बिल्कुल छोटे बच्चे को मैंने पेन साइज़ का डायपर यूज़ नहीं किया है, मैंने तब उसका टैप डायपर यूज़ किया था, जो मतलब उसको ज़्यादा अच्छा होता है छोटे बच्चे के लिए। पेन स्टाइल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, कंफर्ट नहीं होगा, तो पेन स्टाइल आप तब शुरू कर सकते हो जब बच्चे थोड़ा खेलने कूदने लगे, थोड़ा वो चलने लगे, तब उसके लिए पेन स्टाइल ठीक है, लेकिन उससे पहले तक आपको वो टैप वाला ही यूज़ मुझे अच्छा लगता है, तो आप उसी पे भी यूज़ कर सकते हो। और यही बात है, थैंक यू। और एक बात है, डायपर हमेशा स्टोर से नहीं मत खरीदना, ठीक है? स्टोर में बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, हमेशा ऑनलाइन परचेस करना डायपर में, हमेशा ऑनलाइन परचेस करती हूँ मैं, 3 वेबसाइट है उसी से परचेस करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्राई में जब ऑफर आता है तब वहाँ से खरीदना ही खरीदना है, खरीद के आप एक स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से आप वो 1-2 महीने तक स्टोर कर सकते हो। जब फर्स्ट क्राई में ऑफर आता है तब आप बिल्कुल लेना है, फिर फ्लिपकार्ट
और अमेजन में इन तीनों से परचेज करती हूँ। मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ, ठीक है, आप वहाँ से बिल्कुल खरीद सकते हो जब आपका डिस्काउंट रहे या कोई ऑफर रहे। के शुरू में क्या करती हूँ, मेरा लास्ट पैकेट डायपर जब मैं जब शुरू करती हूँ खोलती हूँ उसके बाद ही मैं मतलब ये इन तीनों वेबसाइट में देखना शुरू करती हूँ कि दाम क्या हो रहा है। तो मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ हगेज को, शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैं देखना शुरू करती हूँ कि इसका दाम कब कितना हो रहा है। जब मुझे लगता है कि हाँ दाम अभी मेरा लेने के लिए ठीक है, मतलब कम हो गया है, तभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ फिर एक दो महीने के लिए। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, हमेशा डायपर ऑनलाइन परचेस करना ही सबसे अच्छा होता है। ये है मेरा डायपर के रिंग का एक्सपीरियंस बच्चे के साथ और मेरा हगेज का रिव्यू, और मैंने आपको टिप्स भी दिया है और मैंने आपको बताया है कि डायपर आपको कहाँ से खरीदना है, ठीक है। आपको ऑल इन वन अबाउट डायपर इसी वीडियो में मिल रहा है। अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जितना लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतना ही आपके लिए मेरे लिए अच्छा होगा। आप मुझे इस यूट्यूब चैनल में ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हो तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए, और प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा, आपका लव एंड ब्लेसिंग्स दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, थैंक यू। और ये मत भूलिएगा, आपका लाइक मेरे चैनल के लिए जीवन है, आपका शेयर इस चैनल का जीवन धारा, और आपके सब्सक्रिप्शन आपकी लव एंड ब्लेसिंग से मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल।